आज ये जो पौधा आप देख रहे हैं वीडियो में, ये किस चीज़ का पौधा है कमेंट्स के माध्यम से बताएं। ये कमाल का पौधा है। इसके फायदे बहुत सारे हैं, मोटापा को कम करने में, डायबिटीज़ को दूर करने में, हार्ट की प्रॉब्लम, स्टोन की समस्या, कब्जियत को दूर करने में, अल्जाइमर को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ ये बहुत सारी बीमारियों को, यानी कि हाई बीपी जैसी बीमारी को दूर करने में, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में कमाल के औषधि है। बहुत सारे इसके लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान होते हैं। इसके बारे में आज हम सभी जानेंगे कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, गुड़हल की चाय उन महिलाओं के लिए असुरक्षित है जो गर्भवती हैं या फिर प्रजनन उपचार के दौर से गुजर रहे हैं। यह शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम करती है और मासिक धर्म का कारण हो सकती है, जिससे गर्भपात हो सकता है या फिर खून बह सकता है। विशेष रूप से पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को हिबिस्कस यानी कि गुड़हल की चाय नहीं लेनी चाहिए। हार्मोन उपचार करवा रही महिलाओं या फिर गर्भ निरोधक की गोलियां ले रही महिलाओं को हिबिस्कस यानी कि गुड़हल की चाय नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं द्वारा हिबिस्कस की चाय के उपयोग के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध भी नहीं हो पाई है, इसलिए इस अवधि के दौरान भी इसको लेने से बचना चाहिए। गुड़हल की चाय के उपयोग से नींद आने लगती है, इसीलिए अगर आप वाहन ड्राइव कर रहे हैं यानी कि गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप इसका सेवन न करें। मशीन चला रहे हैं तो भी इसका उपयोग न करें, नहीं तो एक्सीडेंट या खतरा होने का चांस रहता है। गुड़हल के उपयोग से उच्च रक्तचाप को कम किया जाता है, इसीलिए अगर आप निम्न रक्तचाप से परेशान रहते हैं तो आप इसका सेवन न करें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को ये खराब कर सकता है। लेकिन अगर इसके बारे में पूर्णतः जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे किन लोगों के लिए यह लाभदायक है, तो आप इसी चैनल पर पड़े हुए एपिसोड गुड़हल के फायदे और नुकसान जरूर देखिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो है वो, लेकिन आपके लिए कमाल की इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप गुड़हल के बारे में 100% जान जाएंगे कि कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो वीडियो जरूर देखें। कहाँ मिलेगी वो वीडियो? तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगी प्ले की, जो कि होगी गुड़हल के फायदे और नुकसान नाम से। प्ले लिस्ट को जरूर देखिए, उसमें आपको छोटे छोटे वीडियोज भी दिखेंगे जो कि अलग अलग बीमारियों के लिए होंगे पार्टिकुलर, और एक वीडियो दिखेगी जो कि होगी गुड़हल के फायदे और नुकसान नाम से। उसमें पूर्णतः आपको बताया हुआ होगा 10 से 15 मिनट के वीडियो में कि कब कैसे और किसको इस्तेमाल करना है, कितनी फायदेमंद औषधि है, जरूर देखें और इसका लाभ प्राप्त करें। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। अगर आपको वैसे वीडियो नहीं मिल पाती है वो, तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस वाले वीडियो को इसके एंड स्क्रीन में हम आपके लिए लगा देंगे, नहीं तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी अभी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो रही और आज की जानकारी रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।